हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जहाँ पे आए हैं ये उस जगह का गेट है, तो हम इसमें से अब एंट्री करने वाले हैं। और ये अंदर एंट्री करते ही पार्किंग एरिया है, और जो सामने दिख रही है जो बिल्डिंग, ये इस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया एक धर्मशाला है। और ये हम जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का जो नाम है कष्टभंजन देव हनुमान जी मंदिर सारंगपुर, और ये गुजरात में आया हुआ है। और हम अभी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी तो आगे हमें वो मंदिर दिख रहा है, वो आप देख सकते हैं। और ये मंदिर जो मैंने पीछे का बिल्डिंग का नज़ारा दिखाया था, ये आगे का हिस्सा है इसका। ये जो विशाल बिल्डिंग दिख रही है, ये कष्टभंजन देव हनुमान जी ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया एक धर्मशाला है, और आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं। और अभी हम मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की बहुत ही भीड़ लगी हुई है, और ये शनिवार के दिन यहाँ ऐसा मेला लगा रहता है। हमने दादा के दर्शन करके ये हम बाहर निकले हैं, और ये अभी ये सामने दिख रही है ये यज्ञशाला है। यहाँ भूत प्रेत की जो किसी को बाधा लगी हो तो यहाँ आके पूजा विधि करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ ऑफिस में पहले आके बात करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप यहाँ पूजा के लिए बैठ सकते हैं। अरे भाई, आप देख सकते हैं, और ये सामने जो मंदिर है ये श्री हरि मंदिर, ये स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ हम अंदर जाके दर्शन करते हैं अभी। हम स्वामीनारायण भगवान के दर्शन करके अभी बाहर निकले हैं, और अभी आप देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण है, यह काफ़ी सारी भीड़ दिख रही है आपको। यह मंदिर के आगे से अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये मंदिर के आगे का सीन है। यह इस मंदिर में कष्टभंजन देव हजरा हजूर है, और ये मंदिर में आप भीड़ देख रहे हैं कितनी है। कष्टभंजन देव सत्य है, और साक्षात यहाँ विराजमान है कष्टभंजन देव। सामने जो गेट दिख रहा है वो सारंगपुर गांव में, ये गेट से आप जा सकते हैं, और गांव में थोड़ा बाजार भी है, ये सब खरीदी करना है तो आप कर सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौना वगैरह। और ये साइड भी है, और आपको दूसरी साइड भी, यहाँ से आप बाहर निकलते तो ये मंदिर का अंदर एंट्री पॉइंट है, जहाँ हमने पार्किंग दिखाया था, यहाँ से आप जा सकते हैं यहाँ। और ये मंदिर के कष्टभंजन देव मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा धर्मशाला है। और यहाँ इस जगह पे एक महादेव का मंदिर भी है, और अभी हम मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं। पहले आप जगह देख लीजिए, बहुत विशाल जगह है, और ये शनिवार के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, सब लोग शनिवार के दिन ज़्यादा यहाँ आते हैं। और अभी हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं भोलेनाथ की। Yeah.
भोलेनाथ के दर्शन कर लिए और अभी हम यहाँ हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा मतलब मूर्ति लगाई जा रही है वहाँ, मैं आपको ले जाता हूँ अभी वहाँ, वो जगह आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी। ये सामने जो दिख रही है बहुत बड़ी प्रतिमा कष्टभंजन देव की, बहुत ही बड़ी विशालकाय प्रतिमा यहाँ लगाई जा रही है, तो आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रही है। अभी मैं उस जगह पे आपको ले जाता हूँ। हम बिल्कुल पास में तो नहीं जा सकते क्योंकि काम चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का, तो उस जगह पे मैं जगह पे खड़ा था, यहाँ से मैं आपको पूरा एरिया दिखा रहा हूँ अभी कि ये कष्टभंजन देव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा विशाल का जगह में यह धर्मशाला और ये प्रतिमा लगाई जा रही है। देख सकते हैं विशाल का प्रतिमा। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।